कोरोना वायरस के संक्रमण ने चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में भी हलचल मचा रखी है। इस जानलेवा वायरस से जुड़ी जानकारी हर दिन वैज्ञानिकों को चौंका रही है। अब साउथ कोरिया में जिन 51 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, वे दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साउथ कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहैप ने द कोरिया सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी KCDC के हवाले से कहा है कि कोरोना के 51 मरीज डेगू एंड नॉर्थ ग्योंगसांग प्रोविंस के रहने वाले थे। उन्हें कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अब दोबारा संक्रमित हो गए हैं। बता दें कि डेगू एंड नॉर्थ ग्योंगसांग प्रोविंस साउथ कोरिया के कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रस्त इलाकों में से एक है। KCDC के डायरेक्टर जनरल जियोंग यून क्योंग ने कहा कि इन लोगों का दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का संभावित कारण इस वायरस का दोबारा एक्टिव हो जाना है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बात की कम संभावना है कि ये लोग दोबारा इन्फेक्ट हुए होंगे, क्योंकि डिस्चार्ज होने और दोबारा टेस्ट होने के बीच में समय का गैप नहीं है। इस चौंकाने वाले मामले का ढंग से अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को डेगू रवाना कर दिया गया है। बता दें कि साउथ कोरिया में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसने संक्रमण को काफी हद तक काबू कर रखा है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।